CDS टेक्नोलॉजी फोर वॉल सिस्टम बैलेंसर शाफ्ट ये बूस्ट कंपनसेटर आप इंडिया के किसी भी ट्रैक्टर में नहीं आएगी। ये जो खूबियां हैं हम मतलब ये ट्रैक्टर में जो दे रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। किसान भाइयों, कुबोटा कंपनी ने हिसार के अंदर कृषि दर्शन एक्सपो के अंदर अपना एक स्टॉल लगाया है जहाँ पे काफी हैवी क्वालिटी के साथ में नए मॉडल यहाँ पे दर्शाए हैं फोर व्हील ड्राइव के साथ में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं MU 5502 फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर के बारे में। कंपनी के एम्प्लॉय हमारे साथ में है, इनसे हम जानने आए इस ट्रैक्टर के बारे में, तो चलिए उनसे मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। किसान भाइयों को अपना एक बार परिचय दीजिए। जी हाँ, मेरा नाम मलकीत सिंह है, मैं PMG डिपार्टमेंट में काम करता हूँ प्रोडक्ट एक्सपर्ट में। ओके, अभी हम आपको कबोटा कंपनी के बारे में और जो कबोटा का जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो सामने इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो पहले कबोटा कंपनी के बारे में बता दूँ, ये 1890 से आज या 2023 मतलब 133 साल पुरानी कंपनी से बन चुकी है। जी सर। इनके इंडिया में 2009 में आई थी। इनके इंडिया में 21 पावर से लेके 55 HP कैटेगरी तक के ट्रैक्टर भी अवेलेबल हैं। जी। इनके धान लगाने वाली मशीन है, कंबाइन हार्वेस्टर है और इंजन है। ओके। तो ये जो ट्रैक्टर आप सामने देख रहे हो MU 5502, इसके बारे में बता दूं, MU का मतलब है मल्टी यूटिलिटी 55 HP कैटेगरी। और हमारा सेकंड जनरेशन ट्रैक्टर जो हमारा पहले 5501 ट्रैक्टर आता था उसी को मॉडिफाई करके हमने इस ट्रैक्टर को तैयार किया है। अभी मैं इस ट्रैक्टर के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके इंजन की, तो इंजन इसमें है ECDI इंजन है। पहले आपने देखा होगा जो ट्रैक्टर आते थे पुराने, वो पहले हीटर से स्टार्ट होते थे, उसके बाद DI आई। DI से टॉप की टेक्नोलॉजी है हमारे पास ECDS टेक्नोलॉजी। इसको हम बोलते हैं इको सेंटर डायरेक्ट इंजेक्ट सिस्टम। ओके। इसका बेनिफिट क्या है, जो इंजन की लाइफ को बढ़ाता है। आपने नॉर्मली देखा होगा जो हेड पे नोजल है वो टेढ़ी फिट रहती है। जी सर। वो जो डीजल स्प्रे होता है वो एक साइड से डीजल स्प्रे होता है, तो उससे क्या होता है पिस्टन को एक साइड से धक्का लगता है, और लाइन और रिंग आपस में घिसके चलते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। बट हमारे ट्रैक्टर में क्या है, ECDS टेक्नोलॉजी होने की वजह से क्या होता है, जो नोजल है 90 डिग्री पे सर के ऊपर लगी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट लगी हुई है, 90 डिग्री स्ट्रेट लगी हुई है। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, डीजल समानांतर स्प्रे होता है और समानांतर अंदर ब्लास्टिंग होती है। ओके। जिसकी वजह से पिस्टन को इधर उधर धक्का नहीं लगता और पिस्टन समानांतर नीचे को जाता है, जिसकी वजह से लाइन और रिंग आपस में घिसते हैं, जो घिसावट है वो कम होती है, जिसकी वजह से इंजन की जो लाइफ है दुगनी हो जाती है। बिल्कुल। और बाकी आप देख रहे हो इसमें 4-volt टेक्नोलॉजी है। ट्रैक्टर इंडस्ट्री में अगर CC की बात करें तो सबसे कम CC वाला अगर इंजन है तो वो कबोटा का है। इसकी CC की बात करें तो 2434 CC का इंजन है। बिल्कुल। तो 2434 CC जैपनीज ने क्या किया, कम CC में ज़्यादा पावर लेनी है। अभी CC है, अपने को मालूम है कि जितनी CC कम होगी डीजल कम लेगा, कबोटा डीजल के मामले में सबसे बेस्ट है, मतलब सबसे कम डीजल लेने वाला ट्रैक्टर है। अभी दूसरा मन में सवाल उठता है यार CC कम है तो पावर भी कम होगी। बिल्कुल सही बात। लेकिन कम CC में ज्यादा पावर के लिए हमने टेक्नोलॉजी यूज किया, वो टेक्नोलॉजी है 4-volt सिंपल सा फंडा इंजन का। मतलब कम डीजल में ज्यादा पावर के लिए जितनी उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी, हवा जाएगी, उतनी जो पावर ज्यादा बनाएगा। कारण क्यों, जितनी हवा अंदर जाएगी डीजल आपका पूरी मात्रा में बर्न होगा। जितना आपका डीजल अच्छी प्रॉपर मात्रा में बर्न होगा ऑटोमेटिकली जो पावर है इंजन देगा। तो ये टेक्नोलॉजी है कम डीजल में ज्यादा पावर कैसे लेनी है। दूसरा, हमने इसमें बैलेंसर शाफ्ट लगा रखी है इंजन के अंदर, क्रैंक शाफ्ट के दोनों साइड में। हाँ, यस, बाद में ओपन करके आपको बताएंगे। कोई बात नहीं, कंटिन्यू रखो। यस। तो इसमें क्या है, हमने बैलेंसर शाफ्ट लगा रखी है। बैलेंसर शाफ्ट क्या काम करती है, क्रैंक शाफ्ट के दोनों साइड लगी हुई है जो इंजन की दुगनी स्पीड पे उसके उल्ट दिशा में घूमती है, जिसके कारण क्या होता है ट्रैक्टर की जो वाइब्रेशन है वो जीरो हो जाती है और आवाज कम हो जाती है, कंपन कम हो जाता है, आवाज भी कम हो जाती है। वो प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताऊंगा, हमारे ऑपरेटर आपको स्टार्ट करके बताएंगे। अभी आपने बोतल देखी है सामने, बिल्कुल वो बोतल में हम आपको वाइब्रेशन रिफ्लेक्शन दिखाएंगे। ठीक है सर, स्टार्ट कीजिए। तो अभी हम नॉर्मली जो 2000 इंजन RPM पे चलाते हैं जो ट्रैक्टर, वहाँ उस कंडीशन में आपको वाइब्रेशन आपको करके दिखाएंगे। 2000 RPM। अभी आप देख रहे हैं इसकी जो वाइब्रेशन पानी पल पर कंपन देख सकते हैं इससे। इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि इसमें क्या होता है, आवाज़ कम है, कंपन कम है, मतलब ड्राइवर है जो ऑपरेटर है लंबा टाइम इस ट्रैक्टर पे काम कर सकता है, उसको थकान महसूस नहीं होगी। और दूसरा, हमने इसमें बूस्ट कंपनसेटर लगा रखा है। अभी मैं बोनट ओपन करके बता देता हूँ। ये वाली चीज़ आप देखोगे, इसको हम बोलते हैं बूस्ट कंपनसेटर। बूस्ट कंपनसेटर क्या करता है, ये पंप के साथ कंट्रोल रैक के साथ अटैच है, ये लोड के मुताबिक डीजल लेता है। अगर मतलब इसको लोड पे चल रहा है ट्रैक्टर, ये फ्यूल सप्लाई को हल्का सा बढ़ा देता है, वहाँ पे ट्रैक्टर का जो मोशन है वो टूटता नहीं है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर के अपना मोशन बना लेता है टाइम से,
जिसकी वजह से ट्रैक्टर ओवरलोड नहीं होता, वहाँ पे टाइम की बचत हो जाती है और ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस में कमी नहीं आती। जैसे सर आपने देखा होगा कि जब किसान मतलब ट्रॉली लेके जाता है चढ़ाई के ऊपर पुल वगैरह पे चढ़ता है, वहाँ पे सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा बेनिफिट उस चीज के लिए बेनिफिशियल है। तो ये तो हो गया इंजन की बात जो हमने बताई है, ECDS टेक्नोलॉजी, फोर वॉल सिस्टम, बैलेंसर शाफ्ट, ये बूस्ट कंपनसेटर आप इंडिया के किसी भी ट्रैक्टर में नहीं आएगी। ये जो खूबियां हैं हम मतलब ये ट्रैक्टर में जो दे रहे हैं जी सर। आगे हम बात करें, आगे आ जाती है इंजन के बाद क्लच प्लेट, क्लच प्लेट ये लास्ट में चल। अब इंजन के बाद क्लच प्लेट आ जाती है, हम जो ट्रैक्टर में जो क्लच प्लेट दे रहे हैं फाइव पिन वाली क्लच प्लेट दे रहे हैं, फाइव नॉर्मली जो ट्रैक्टर में आती है फोर पिन वाली क्लच प्लेट आती है। इसकी वजह से क्या है सर मेन किसान, फाइव पिन का मतलब अगर वो 4000 घंटे चलती है और ये 5000 घंटे चलेगी, ठीक है, इसकी लाइफ है जो दूसरी क्लच प्लेट से ज्यादा है, ठीक है जी। और ये दूसरे ट्रैक्टरों से एडवांटेज है इस चीज़ का। अभी हम अगर बात करें इसके गियर बॉक्स की, इसमें आता है फुली सिंक्रोनस गियर बॉक्स। स्पीडों की बात करें इसमें 12 फॉरवर्ड है और 4 रिवर्स है, जो हम बोलते हैं ABC, हमारा ABCD है, मतलब 12 आगे की स्पीडें मिलेंगी और 4 आपको रिवर्स की मिलेगी और वो फुली सिंक्रोनस के साथ मिलेंगे। सिंक्रोनस का काम क्या है कि आप फुल रेस पे चल रहे हो, ठीक है, अभी आप चौथे गियर में चला रहे हो ट्रैक्टर, अचानक कोई चीज़ आगे आ गई, पीछे भरी हुई ट्रॉली है तो वहाँ पे आप ब्रेक नहीं लगा सकते, वहाँ पे ड्राइवर क्या करता है रेस कम करता है, हल्की से ब्रेक लगाता है, चौथा से तीसरा गियर डालने की कोशिश करता है तो उसमें आवाज आती है गियर बॉक्स की, बिल्कुल। बट इसमें क्या है, आपने हाथ वाला एक्सीलेटर खींच रखा है, आपको रेस भी नहीं कम करनी और क्लच दबाना और सीधा चौथे से तीसरा गियर डालना बिना आवाज किए, गियर शिफ्ट होगा। ये सिंक्रोनस गियर बॉक्स का बेनिफिट कस्टमर के लिए। और दूसरी बात करें हम पैडल की, इसमें आपको सस्पेंडेड पैडल मिलते हैं, आप नॉर्मली ट्रैक्टर में पुश टाइप पैडल आते हैं बट इसमें सस्पेंडेड पैडल आएंगे। एक्सेलरेटर इसका इतना बढ़िया है मतलब इजीली आप इसको पुश कर सकते हो, पुश द एक्सेलरेटर तो फ्लैट डेक आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, यहाँ पे आपको पार्किंग ब्रेक मिल जाती है स्टार्टिंग, मतलब अगर हम ऑपरेटर कम्फर्ट की बात करें तो चाबी से स्टार्ट होता है ये ट्रैक्टर और ऐसा नहीं कि झुकना पड़ेगा नीचे की ओर, ऐसा पोजिशन में नहीं करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर आदमी स्ट्रेट बैठा हुआ है इसको ईजिली बंद कर सकता है, ठीक। ये मतलब ड्राइवर ऑपरेटर कंफर्ट पे भी इनो जैपनीज ने पूरा ध्यान दिया है। अगर हम हाइड्रोलिक्स की बात करें तो 2100 kg की आपको लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाती है, 2100 kg आपकी आपको लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाती है। और पीछे का जो रियर एक्सल है इसको हम बोलते हैं प्लानेटरी ड्राइव एक्सल, मतलब प्लानेटरी का काम क्या होता है जी, आपके जो लोड 100% लोड बढ़ता है वो 33% जो लोड है डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से आपका एक्सल और गियर बॉक्स में कभी क्राउन पिन टूटने का डर नहीं है होता, सही है। तो दूसरा इसमें जो स्पीड आप देख रहे हो, ये लीवर देख रहे हो, ये पीटीओ को स्पीड लीवर है, इसमें आप पीछे को करोगे 540 स्टैंडर्ड आपको मिलेंगे, आगे को करोगे वहाँ पे आपको 750 मिलेंगे, 750। ओके, और अगर आपको रिवर्स पीटीओ भी लेना है तो उसमें ये भी ऑप्शन है। बाई चांस अगर कस्टमर ने 750 वाला ले लिया, इन फ्यूचर उसको लगेगा यार मैंने 750 की जरूरत नहीं थी, मेरे को रिवर्स करना है, ये अपन कवर खोल के जैसे रोटावेटर के गियर चेंज करते हैं ये चीज़ आप पीछे को करके यहीं पे आप गियर 750 की जगह निकाल के आप रिवर्स वाला डाल सकते हैं। ओके सर, इसमें जो पीटीओ की जो क्लच है वो ड्यूअल है डबल क्लच ये ड्यूअल क्लच है, ड्यूअल जी हाँ। ओके, और दूसरा अगर फेंडर देखोगे आप, फेंडर में आपको मतलब ये देखोगे गारा मिट्टी पानी का भी जमा ही नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने इस चीज़ पे ध्यान दिया, क्योंकि जो ट्रैक्टर होते हैं पुराने तो कद्दू में चलते हैं, मड वगैरह पैडी पटलिंग के लिए यूज़ होता है तो वहाँ पे गारा मिट्टी पानी फंस जाता है अंदर, तो मड़गाड़ वहाँ से गलना शुरू हो जाता है, बिल्कुल। बट इसमें देखोगे आपका मड़गाड़ कभी गलेगा नहीं, बिल्कुल, यहाँ पे मजबूती आपको मिल रही है, बिल्कुल। तो बाकी 16 के टायर आपको पीछे मिलेंगे, 9-5-24 के आगे मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात क्या है खासियत कबोटा की, वो इसका फ्रंट एक्सल, उस चीज़ के बारे में आप गौर करना थोड़ा। अभी आप देख रहे हैं कि कबोटा को हमने एक पत्थर पे चढ़ा रखा है, टायर पे कम से कम 1 फीट का ये पत्थर है, लेकिन एक चीज़ देखिए 1 फीट ऊंचाई के बावजूद भी ट्रैक्टर की जो स्टेबिलिटी है वो पूरी बरकरार है, आप पूरा प्लेन खड़ा हुआ है, और इसका जो टर्निंग रेडियस है ये सबसे ज़्यादा मिलेगा, कारण कि इसकी टेक्नोलॉजी है, इसको बोलते हैं बेवल गियर। इसमें क्या है, ये पूरा सील्ड है, डस्ट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, इसमें गारा मिट्टी पानी कुछ भी अंदर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो लाइफ है आपको सबसे ज़्यादा मिलती है और जो टर्निंग है आपको सबसे ज़्यादा मिलती है। तो ये था हमारा ट्रैक्टर का। सर अभी जैसे किसान भाई भी जानने के इच्छुक है जी, इस ट्रैक्टर का इस इवेंट के अंदर प्राइस क्या है, फोर व्हील ड्राइव का जो इवेंट के अंदर ऑफर था, आज तो चलो लास्ट डेट है जी, अभी तो ऑलमोस्ट प्रोग्राम खत्म होने वाला है अभी, जैसे तो जो इसका था जो हमने मेले के लिए ऑफर रखा था, हमने 11,15,000 रुपये इसका प्राइस था और iPhone 14 फ्री था। ओके जी, कोई भी अगर कस्टमर लेना चाहे तो उसके साथ iPhone 14 फ्री था हमने, ओके मेले के ऑफर रखी थी। ओके
बाकी सर, अगर आपको जानकारी चाहिए आप कबोटा की वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है सर जी, थैंक यू। सर एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, इस कबोटा के जितने भी ट्रैक्टर्स आते हैं इसमें एक सुपर वारंटी आती है जी, उसका क्या मतलब? सुपर वारंटी का मतलब ये होता है कि आपको टोटल मतलब 5 साल की वारंटी मिलती है। कुछ कंपनीज क्या करती हैं, अगर 5 साल की वारंटी देती हैं वो खाली 3 साल पूरे ट्रैक्टर की, 2 साल इंजन की, लेकिन हमारे में जो 5 साल की मिलेगी वो पूरे ट्रैक्टर की मिलेगी वारंटी। ओके जी हाँ, इसलिए हमने इसको सुपर वारंटी बोला। तो सर बहुत बहुत थैंक यू आपका, थैंक यू सर, महत्वपूर्ण जानकारी आपने किसान भाइयों को दी है। जी जी, तो किसान भाइयों जैसे कि कंपनी के एम्प्लॉय हमारे साथ में जुड़े, उन्होंने सेक्टर के बारे में पूरी जानकारी आपको दी है, तो ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए ट्रैक्टर के लिए धन्यवाद। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और ये ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो कृपया करके नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें।